Very good morning class. So students, today I'm going to explain you chapter number 9, that is crocodile. So students, in this poem we found some new words. So first one is improve matlab nikhar ya sudharna. Second hai paur barasna. Green hasi muskan. Spread मतलब फैलाओ विस्तार. Claw पंजा. Is it clear? So students, इन वर्ड्स को आपको लर्न भी करना है और अपनी CW कॉपी में भी लिखना रहेगा, और ये वर्ड्स हम लोगों को इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे. So let's start it. So come on the page number 49. How does the little crocodile? देखो कैसा है ये लिटिल क्रोकोडाइल. इम्प्रूव हिज शाइनिंग टेल. और जो इसकी जो टेल है, इसकी जो पूंछ है, वो कैसी है? शाइनिंग है. और डे बाय डे क्या हो रहे हैं इसके फीचर्स? इम्प्रूव हो रहे हैं, सुधर रहे हैं. एंड पोर द वाटर्स ऑफ द नील. और एक नील नदी है, उसका जो वाटर है वो क्या है? बरस रहा है. कहाँ पर? ऑन एवरी गोल्डन स्केल. इसकी जो स्केल है, इसकी जो बॉडी है, उस पर. हाउ चीयरफुली ही सीम्स टू ग्रेन. देखो कितना चीयरफुल मतलब हसमुख या फिर मस्त दिखाई दे रहा है. ही सीम्स टू ग्रीन. ग्रीन का मीनिंग हमने देखा था. यस, मुस्कान. इसकी जो मुस्कान है, इसकी जो स्माइल है, वो आप देख सकते हैं कैसी, कितनी चीयरफुल दिख रही है. ही नीटली स्प्रेड्स हिज क्लॉज. इसके जो पंजे हैं आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं क्लॉज. इसके जो पंजे हैं वो कैसे? नीटली मतलब साफ सुथरे, स्प्रेड मतलब फैले हुए हैं. एंड वेलकम्स लिटिल फिशेज इन विथ जेंटली स्माइल जॉज. और जो इसका जॉ है, जॉज क्या होते हैं स्टूडेंट? जॉ होता है जो जबड़ा रहता है, उसे इंग्लिश में जॉज बोलते हैं. ठीक है, दो होते हैं इसलिए जॉज. जो इसके जॉ है वो कैसे हैं? ओपन है, और वो वेलकम कर रहे हैं किस चीज़ का? लिटिल फिशेस का. ठीक है, मछलियों का वेलकम कर रहे हैं, वो भी जेंटली स्माइल के साथ. सो स्टूडेंट्स, ये पूरी पोयम किस पर बेस्ड है? क्रोकोडाइल पर. हाउ डज द लिटिल क्रोकोडाइल इम्प्रूव हिज शाइनी टेल एंड पोर द वाटर्स ऑफ द नाइल ऑन एवरी गोल्डन स्केल. सो क्या बोला है? देखो कैसा है ये लिटिल क्रोकोडाइल. इसकी जो टेल है वो शाइनिंग है और धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही है अपने आप को. इसके ऊपर जो स्केल है वो कैसा है? गोल्डन है और ग्रीन है. हाउ चीयरफुल ही सीम्स टू ग्रीन. और इसकी जो स्माइल है वो कितनी चीयरफुल है. हाउ नीटली स्प्रेड हिज क्लॉज. और इसके जो क्लॉज है, इसके जो पंजे हैं, वो कैसे हैं? नीटली स्प्रेड मतलब फैले हुए हैं. एंड वेलकम्स लिटिल फिशेस इन. और ये अपना जो माउथ है वो ओपन करके कैसे लिटिल फिशेस को वेलकम कर रहा है विथ जेंटली स्माइल जॉज, और वो भी लिटिल जेंटली स्माइल के साथ. ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर हम लोगों के चैप्टर नंबर 9 क्रोकोडाइल, ये पोयम यहीं पर कंप्लीट होती है, ओवर होती है. ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 क्रोकोडाइल किसने लिखी है? दिस पोयम इज रिटन बाय लेविस कैरोल. ओके, नाउ योर इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट एंड क्वेरी, सो गिव द कमेंट बिलो इन द कमेंट बॉक्स. ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर बच्चों, बाय बाय.